अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मिल्हा ब्यूटी कस्टमर्स एंड फैमिली। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बोलोगे यार ये शॉपर में क्या चीज़ें लेके बैठी हुई है। ये है बेसिकली मेकअप बैग्स जो मैंने पिछली बार आप लोगों को ऐसी बस जल्दी जल्दी में दिखाए थे, पार्सल पैक हो रहा था। तो बहुत सारी लड़कियाँ कमेंट्स करी थी कि मिल्हा कलर सेलेक्ट करने हैं, तो प्लीज़ इसके सारे कलर्स दिखा दिए जाएँ, तमाम कलर्स इसके मैं शो कर दूँ। तो बेसिकली अब आप लोग इसके कलर्स देख सकते हो इस बैग के। ठीक है, और ये इस तरीके से कि पैकेजिंग के अंदर आता है, इसकी क्वालिटी बहुत प्यारी है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपना पर्सनल, मैंने खुद रखा है और मैं इंशाल्लाह उसका आप लोगों को दिखाऊंगी फिलिंग करते हुए। ये इस तरह से कुछ इसका बैग बनता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बैग की क्वालिटी दिखाती हूँ। ये इस तरह से, जैसे आप इसके पाउच को क्लोज़ कर लेते हो, ये आपका पूरा पाउच बन जाता है। ठीक है, जर की क्वालिटी आप लोग देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से ये स्क्वायर पाउच बन जाता है। आप इसमें अपने स्किन केयर आइटम्स और सारी चीज़ें रख सकते हो, लेदर पाउच है ये। ठीक है, और इसकी क्वालिटी देख लो आप लोग, इसकी स्टिचिंग वैसे मैंने बहुत करीब से दिखाया था। मैं जो आज आई हूँ वो इसका कलर दिखाने के लिए आई हूँ। इंशाल्लाह इसकी रिफिलिंग आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, जब मैं अपने बैग की इसकी रिफिलिंग करूंगी, क्योंकि मैंने खुद ये बैग रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज है इस बैग के अंदर और आपकी स्किन केयर भी बहुत ईजिली इसमें आ जाता है। अब मैं आपको इस तरह से इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से ओपन होता है, सेंटर में भी आप रख सकते हो, यहाँ पर भी आपका सारा सामान आ जाता है, अंदर भी अच्छी खासी स्पेस है इसकी, जैसे पॉकेट्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं, तो इसके अंदर स्पेस काफ़ी वाइड है। और ये इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म के अंदर स्क्वायर बैग बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको फिलिंग करोगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। अब मैं दिखाने लगी हूँ इसके कलर्स। एक मैंने आप लोगों को इसका बना के दिखा दिया, इसमें 4 कलर्स आते हैं। एक इसमें आता है इस तरह का टी पिंक, ये कलर भी बहुत प्यारा है। इसमें सारे कलर, इसकी भी मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिखाई थी, लेकिन ऑब्वियसली कस्टमर की डिमांड है कि मिल्हा हमें सारे कलर्स दिखा दिए जाएँ। देखिए, हर किसी की डिमांड पूरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये इस तरीके से इसकी इनर है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसमें अच्छी खासी स्टोरेज हो जाती है, ये इस तरीके से इसको फोल्ड हो जाता है। ठीक है, सारे बना के मैं नहीं दिखाऊंगी इसी तरह से सबकी। ये बेबी पिंक कलर है, थोड़ा कैमरा में आई थिंक ये लाइट लग रहा है, लेकिन ये बेबी पिंक पिंक कलर है, थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड कलर आ जाता है। बहुत डिसेंट कलर्स हैं सारे इसके, जैसे एक होते ना एलिगेंट वो वाले कलर्स हैं, और बहुत प्यारे कलर्स हैं इसके ऑब्वियसली। और ये आपको मिल्हा ब्यूटी पे सिर्फ 1300 रुपये का मिल रहा है, और ये आपको अगर आप इसको मार्केट सर्च आउट करोगे तो उसके प्राइजेस बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक इसके अंदर आ जाता है ऑफ वाइट कलर। ऑफ वाइट कलर भी बहुत सारे डिसेंट कलर्स हैं, वो पिंक हो या वो ब्राउन हो या वो ऑफ वाइट हो। देखिए, ऑफ वाइट कलर आया ना तो पिंक कलर खिलकर सामने आ गया, बेबी पिंक कलर है। ठीक है, वरना ऐसे वो लाइट नज़र आ रहा था। तो ये देखो, ये कलर डिफरेंस है, ये बेबी पिंक कलर है और ये ऑफ वाइट है, वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है, हल्का सा मिल्की वाइट है। अब इसके आ जाते हैं बेसिक कलर पे ब्लैक, जो कि लड़कियाँ तीनों कलर बहुत पसंद करती है। ब्लैक अमूमन जो पसंद करती है ना, वो मुझ जैसे माओ वाली ब्लैक कलर पसंद करती है, ताकि उनके बच्चे गंदा ना कर सकेंगे। तो ये इस तरीके से ब्लैक भी, इस तरह से आपको इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ मिल रही है। बहुत प्यारे बैग्स हैं, मैं कहती हूँ पैसा वसूल चीज़ है। क्वालिटी एवन रिव्यूज़ हमारे पेज पे डलना शुरू हो गए इन बैग्स के, इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो अपने पसंद के कलर्स को ग्रैब कर लें। बाय बाय।